सब्जेक्ट का आर्ट्स है उससे मुझे इजी लगा। आर्ट्स से इजी लगा? करंट अफेयर ज्यादा इजी बता रहे थे। करंट अफेयर किन लोग तो बता रहे हैं एग्जाम इजी आया था पिछले साल के मुकाबले? के लिए आया होगा। अच्छा, तैयारी नहीं किया था क्या? ऐसा थोड़ी लगा कि आपको सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन पूछे थे? सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस के अंदर से आए थे। आपको ज्यादा टफ लगा या इजी लगा? मैथ थोड़ा टफ लगा। मैथ ज्यादा टफ लगा? अच्छा, तो हो सकता है आपका चांसेस है इसमें। वो पता। जय जोहार एंड हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ सीजी व्यापम जो फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है उसका रिव्यू लेने के लिए। इसमें टोटल 84 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेंटरों में आज हजारों स्टूडेंट एग्ज़ाम दिला रहे हैं। तो ये एक कोरबा का निर्मला हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ के जो स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम दिला के निकलेंगे उनका रिव्यू जानेंगे कि उन लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ अलग अलग स्टूडेंट का कैसा कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं कितना भीड़ है यहाँ। यहाँ लगभग 300 से 400 गाड़ियाँ हैं और ये बहुत बड़ा स्कूल है, MGM इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ से देखते हैं जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका एग्ज़ाम कैसा गया, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, निर्मला इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल से एक CG व्यापम फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिला के स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कैसा गया एग्ज़ाम। भैया बता सकते हो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? भैया जी सर, उतना बढ़िया नहीं रहा लेकिन अच्छा ही रहा। तो ज़्यादा टफ था या इजी था? जी मॉडरेट था। ऐसा, और सिलेबस से हट के आया था कि सिलेबस के अंदर से ही आया था? नहीं, सिलेबस के अंदर से ही आया था। ऐसा, तो क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है इसका? इसका मेरे ख्याल से 38 लोग का, तो मेरे ख्याल से 30 ऐसा 30 प्लस जाएगा। ऐसा जी, तो किसी में आपको ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चन गलत आया था? उतना खास तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं। जी जी, ठीक है, थैंक यू। और देखते हैं लोगों से। मैम थोड़ा बता सकते हैं कैसा गया आपका एग्जाम? मैम एग्जाम कैसा गया? एवरेज था। तो ये सिंगल सिंगल बता रहे हैं, उनको आने देते हैं। भैया कैसा गया आपका एग्जाम? भैया कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक है। सिलेबस से हट गया था कि अंदर से आया था? थोड़ा सा सिलेबस से हट से आया था। हट गया था? क्या कहते हैं जो अभी नियम था जो सिलेबस में नहीं दिया गया था। हाँ, जैसे 1986 का जो सिलेबस था। अच्छा, जनरली वो उपभोक्ता 2019 का होना चाहिए था। हाँ हाँ, वो नहीं दिया गया। तो क्या लगता है इस बार का जो CG व्यापम फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है? हाँ। वो अदर जो CG व्यापम का एग्ज़ाम होता था उससे ज़्यादा टफ था या इजी था? आप और दिलाए हो एग्ज़ाम? एवरेज मॉडरेट है। ऐसा, हाँ। क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ इसमें अब 150-160 तक आएगा। ऐसा जी, थैंक यू भैया। मैम कैसा आया था एग्ज़ाम, आपको कैसा लगा, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। भैया आप लोगों का कैसा गया एग्ज़ाम? एक नंबर। कैसा लगा आपको, बता सकते हैं थोड़ा भैया? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ना जैसे तैयारी किया था ना, हाँ, उस हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, इजी था संबंधित थोड़ा सा। हाँ, और क्या बोलते हैं सिलेबस से हटके नहीं था एग्जाम? नहीं, सिलेबस से हटके नहीं था, जो सिलेबस में पढ़े थे वही सब आया था। क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ मेरे ख्याल से 60 जा सकता है। 60 200 में 60। ये कास्ट वाइज होगा ना फिर? हाँ, मैथ्स टफ था। अच्छा, मैथ ज़्यादा टफ था। तो क्या बोलते हैं पिछले जो व्यापम का एग्ज़ाम हुआ था उससे ज़्यादा टफ था या इजी था ये वाला? उससे थोड़ा इजी था। अच्छा, CGPSC की दिलाया था एग्ज़ाम? हाँ, CGPSC दिलाया था, उससे बहुत ही ज़्यादा इजी था। अच्छा जी, हेलो दी, कैसा गया था आपका एग्ज़ाम? ठीक है। अच्छा, क्या आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था कि बाहर से आया? सिलेबस के अकॉर्डिंग आया। अच्छा, क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? ऐसा, इसमें कौन से मतलब टॉपिक में आपको ज़्यादा टफ लगा या इजी लगा? मैथ थोड़ा टफ लगा। मैथ ज़्यादा टफ लगा? अच्छा, तो हो सकता है आपका चांसेस है इसमें? वो पता चलेगा, बोलो जी। थैंक यू। और पूछना दी, बता सकते हैं क्या कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अरे इग्नोर मार, ये बता सकते हैं कैसा गया एग्ज़ाम आपका? पकड़ लीजिए माइक, कैसा गया आपका? क्वेश्चन तो आसान था लेकिन आसान था। टाइम का बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो 3 घंटे तो टाइम था ना? 3 घंटे टाइम था लेकिन 200 क्वेश्चन था। अच्छा,
कौन कौन सा टॉपिक, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ईजी लगा? करंट अफेयर्स काफ़ी था। अच्छा हाँ, मैथ्स ज़्यादा टफ था बता रहे थे अभी वो कई लोग। अच्छा क्या लगता है आपका कट ऑफ कितना जा सकता है इसमें? कट ऑफ इसमें मेरे ख्याल से जनरल वालों का कर ले तो हम लोग 180 जा सकते हैं। 180, 200 में 180, मतलब बहुत ज़्यादा इजी था इसलिए उतना ज़्यादा भगेगा क्या? ऐसा तो इस बार का सीजी व्यापम जो एग्ज़ाम लिया है वो बहुत ईजी लिया है। अच्छा, और सीजीपीएससी दिलाए थे आप एग्ज़ाम? नहीं दिला पाए थे आप? पिछले बार व्यापम के दिलाए थे कभी? तो उससे ज़्यादा ईजी था ये ऐसा जी। थैंक यू दी, बता सकते हो आप लोग कैसा की एग्जाम? थोड़ा सा बस दो सब। अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया, नहीं गया। तो बाकी लोग तो बता रहे हैं एग्जाम इजी आया था पिछले साल के मुकाबले। अच्छा तैयारी नहीं किया था क्या? ऐसा तो नहीं लगा कि आपको सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन पूछे थे? सिलेबस नहीं देखे, सिलेबस के अंदर से आए थे। ऐसा तो इसमें बता रहे हैं मैथ्स वाला ज्यादा टफ दिया था और करंट अफेयर का इजी दिया था बता रहे थे। आप लोग को कैसा लगा? थोड़ा बना है तो थोड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा आपका होने के चांसेस हैं? ऐसा आप लोग क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकते हैं? कट ऑफ बने ही नहीं, मतलब पढ़े नहीं था आप लोग। चलो नेक्स्ट टाइम तैयारी कीजिएगा अच्छे से। क्या पिछले साल आप लोग दिलाए थे सीजी व्यापम का एग्जाम? नहीं दिलाए थे, ये फर्स्ट टाइम था। अच्छा इसीलिए, मतलब बिना तैयारी के किए हो गए ना इसलिए। जी थैंक यू जी। कैसा क्या आप एग्जाम? रुक जाइए, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ठीक ही था। अच्छा सिलेबस के अंदर से ही आया था? हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैथ्स कैसा बना आपको इसमें का? क्योंकि मेरा फोर्टे मैथ नहीं है तो मैंने। अच्छा कौन से फील्ड से हो आप? मैं आर्ट्स के फील्ड। आर्ट्स के फील्ड से हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये सीजीबी आपको? हाँ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था, तो क्या सेकंड अटेम्प्ट में आपको ये ज्यादा इजी लगा कि पहला जो था वो दिलाए थे? ये थोड़ा इजी था। ये इजी था? हाँ सभी लोग बता रहे हैं कट ऑफ जर्नल के लिए 180 जा सकता है बोल के। हाँ, बोल रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कितना जा सकता है? मेरा तो अभी कुछ कह नहीं सकती कि कितना ऐसा। हाँ, तो आपको ऐसा चांसेस है होने के? पता नहीं, अब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती मैं। ऐसा क्या बोलते हैं, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट से ज्यादा इजी आया था क्वेश्चन? मेरे जो सब्जेक्ट था आर्ट्स से उससे मुझे इजी लगा। आर्ट्स से इजी लगा? करंट अफेयर ज्यादा इजी बता रहे थे? करंट अफेयर भी ठीक था, जो मैंने पढ़ा था सेम वैसे ही आया था। ऐसा कोई कहीं और से नहीं, एकदम मतलब अच्छे क्वेश्चन। अच्छा ऐसे कोई बुरे नहीं थे। अच्छा। पढ़ने वालों के लिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, थैंक यू। तो ये रहा दोस्तों आज सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम। ये कोरबा निर्मला हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैंने रिव्यू लिया स्टूडेंट्स का, और देखते हैं कैसा क्या बोलते हैं। बाकी तो बता दिया कट ऑफ क्या आता है और जो भी रिजल्ट आएगा देखते हैं। बाकी लोग तो बोल रहे हैं इजी है बोल के। इसमें मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा टफ रहता है जो कि हर एग्जाम में ज़्यादा टफ रहता है। उसके बाद क्या बोलते हैं करंट अफेयर ज़्यादा इजी से बोल रहे थे, हिंदी इंग्लिश ये सब भी इजी था ही बोल रहे इसमें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो दोस्तों ये रहा सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, कंप्लीट हो गया और स्टूडेंट का हमने रिव्यू लिया और उनसे जाना कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया और कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक में ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, कुछ में ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, अलग अलग रिव्यू था। तो होप करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। वैसे तो है इसमें 84 पोस्ट और इजी था गया, इजी गया बोल रहे थे इस साल का सीजी व्यापम का एग्ज़ाम ज़्यादा इजी गया बोल रहे हैं बाकी लोग। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक लिए मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।